हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 17 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में कि किस तरीके से हम कंडीशन बेस्ड कंपोनेंट एंड आपके एलिमेंट को रेंडर करवा सकते हैं रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैस की गाइज, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया रिएक्ट जेएस टूटल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके आप वहां वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। एंड गाइज, सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जाए फॉलो कर लें। एंड आपको रिएक्ट जेएस के कोर्स में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपका कोर्स जो चल रहा है, फ्री सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट का और गिटहब पेज का। चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि क्या होता है आपका कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। तो यहां पे मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट जेएस अलाउ यू टू शो और हाइड कंपोनेंट बेस्ड ऑन कंटेंट कंडीशंस। इट इज अ पावरफुल फीचर दैट हेल्प यू क्रिएट डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस। मैंने ये छोटा सा रखा है आपका इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये जो फीचर हमें मिलता है इसके अंदर, हम कंडीशन बेस्ड हम डायनेमिकली यहां पे दिखा सकते हैं इंटरफेस को, क्लिक पे या फिर रेंडर होने के टाइम पे सब कुछ। ओके, बहुत अच्छा फीचर है ये आपका। और इस फीचर को कैसे यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर, वही हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। क्योंकि देखिए, जब कभी भी हमारे पास में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो हम चाहेंगे कि वो लॉगिन है या नहीं है, इस तरह के कंट्रोल के साथ में हम अपने कंपोनेंट को रेंडर करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हैं, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सो गाइज, यहाँ एडिटर पे आने के बाद देखेंगे आप, यहाँ पे हमारी एक फाइल है app.js, इसी के अंदर हम कोड लिखने वाले हैं और एक नया कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ पे, और इसका आउटपुट आपको दिखेगा यहाँ ब्राउजर पे। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे और कंसोल के अंदर भी चीजें कुछ दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे किस तरीके से ये मेथड यूज करेंगे हम, तो ये आप चाहें तो किसी भी एक नई फाइल के साथ भी कर सकते हैं, या आपके पास में कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उस पर भी आप इस चीज को कर सकते हैं ट्राई। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना रहा हूँ आप सबके लिए, profile.jsx। ओके, एंड शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे आपका कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे, हमारा कंपोनेंट हो गया है क्रिएट। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए, एक H1 ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, H2 कर लेते हैं, और मैं मानिए यहाँ पे प्रोफाइल लिख लेता हूँ अभी पहले फिलहाल के लिए, बाकी मैं आपको आगे चल के अभी दिखाता हूँ। इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कैसे करवाने का मेथड मैंने आपको सिखाया था प्रीवियसली, तो देखिए प्रोफाइल। ओके, और ये हमारा कंपोनेंट इंपोर्ट हो चुका है, करेंगे सेव। एंड सेव करने के बाद यहां पे चलेंगे ब्राउजर पे, तो यहां पे हमें प्रोफाइल दिख भी रहा है। ओके, अब हम चाहते हैं कि यहां पे कंडीशन बेस्ड चीजों को चलाना, कैसे चलाएंगे आप। ओके, पहले मैं इसको क्लोज कर दूं साइड बार को। एंड यहां पे आप चाहते हैं चीजों को चलाना कंट्रोल वाइज, ठीक है, तो उसके लिए यहां पे हम क्या करेंगे, आप इस चीज को स्टेट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं example 1, ठीक है, क्योंकि मैं मल्टीपल एग्जांपल दूंगा आपको इस चीज से रिलेटेड। सबसे पहले मैं यहां पे आपका लॉग्ड इन, ओके, सपोज मैंने एक चीज बना ली यहां पे और इसका मैंने बुलियन केस में फॉल्स दे दी वैल्यू, ये कॉन्स्ट है। ओके, मैंने एक कॉन्स्ट बना लिया। अब मेरे को क्या चाहिए कि इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर कंडीशन बना सकता हूं। ठीक है, कैसे, सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस लेने होंगे, ठीक है, जेएसएक्स के। ओके, यहां पे मैंने इसको लिया, पेस्ट करा, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, क्वेश्चन मार्क के बाद में आप चाहते हैं जो H2 है ना आपका, ये कंडीशन बेस पे ही दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहां मैं चेंज कर देता हूं नाम को, वेलकम यूजर कर देता हूं पहली चीज। ठीक है, एल्स हो जाएगा आपका यहां पे H2, ठीक है, वेलकम गेस्ट कर देते हैं, गेस्ट मतलब कि वो लॉग इन नहीं है अभी। अगर मैं इतनी चीज को अगर मैं सेव करूं, ओके, तो सेव करके अभी कैसा आउटपुट मिलेगा हमें ब्राउजर पे, तो यहां चलेंगे अभी, तो यहां पे वेलकम गेस्ट आ रहा है आपका। क्यों आ रहा है वेलकम गेस्ट, क्योंकि अभी हमने यहां पे जो बाय डिफॉल्ट की वैल्यू डिफाइन करी है ना, वो आपकी फॉल्स है। ओके, और फॉल्स वैल्यू है तो यहां पे हमने जो कंडीशन बनाई है इसको टर्निंग ऑपरेटर कहते हैं, ये मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक कोर्स में पढ़ाया भी है। ओके, तो वहां पे आपका मैंने ये पढ़ाया था कि जब कभी भी हमारे पास में जो भी वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को लेंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे आप, क्वेश्चन मार्क के साइन के बाद में ये आपका इफ होता है, पहले तो इफ में जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो शो होगी, और जो एल्स, जो कॉलन का साइन होता है वो एल्स का पार्ट होता है आपका। ओके, तो एल्स के पार्ट में वो रहेगा जो आपका बाकी इफ एल्स के कंडीशन में हम रखते थे वहां पे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चल रही है। अगर मैं यहां पे कर दूं आपका ट्रू, करूं सेव, एंड सेव करके चलूं आपको यहां पे दिखाऊं, तो देखिए वेलकम यूजर आपको यहां पे विजिबल हो रहा है। ओके, ये हो गया आपका एक मेथड। अब मैं आपको सिखाता हूं दूसरा मेथड, एक और यहां पे मेथड आपको सिखाता हूं। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस कर लेता हूं इससे पहले, जिससे कि ये अच्छा लगे देखने में। ये तो है, इसको रहने देते हैं यहां पे। मैं यहां पे सेकंड एग्जांपल कर देता हूं। ओके, और इस वाले पे कर देता हूं आपका एग्जांपल 1, जिससे कि आपको कंफ्यूजिंग ना रहे। अब मानिए मेरे पास में एक एरे है,
तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी फॉर्मेटिंग कर लेंगे हम, ठीक है, कोड आगे पीछे हो रहा है तो आइटम ले लेते हैं आइटम्स, और यहाँ पे वही सेम चीजें ले लेते हैं, कुछ चीजें एप्पल, देन इसके बाद में बनाना, मैंने यहाँ पे तीन चीजें ली है, इट मीन्स कि हमारे पास में तीन आइटम अवेलेबल है एरे के अंदर। अब इन चीजों के बेस में कैसे हम कंडीशंस को लगाएंगे, यहाँ पे देखिए कॉपी करेंगे आइटम को, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सपोज मैंने एक डिव ले लिया, ठीक है, इस डिव के अंदर मेरे को यहाँ पे लूप के साथ चलानी है चीजें। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस लेंगे आप, ओके, डॉट मैप लगाएंगे आप, ठीक है, मैप से पहले हम क्या करते हैं लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है, ईजी रहेगा फिर, लेंथ ग्रेटर देन जीरो, ओके, तो क्वेश्चन मार्क में हम क्या करेंगे, यहां पे आ जाएगा आपका देखिए यूएल, और इस यूएल के अंदर जो एलआई होने वाला है उस पे हम चलाएंगे मैप। तो देखिए मैप कैसे चलेगा, देखिए डायनेमिक बना रहा हूं, प्रॉपर डायनेमिक कैसे बना सकते हैं आप इन चीजों के साथ में, वही मैं आपको यहां पे एग्जांपल में बता भी रहा हूं, ओके। अब मैंने यहां पे लिया मैप, अब इस मैप के अंदर हमारे पास में यहां पे आइटम ले लेंगे हम एक, और एक लेंगे इंडेक्स, ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में कवर कर रखी हैं गाइस, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए पहले। अब मैंने यहां पे ये चीज ली, अब इसके बाद में यहां पे मैं लूंगा आपका एलआई पहली चीज, और की हो जाएगी हमारी यहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंडेक्स को रख लेते हैं, ठीक है, पहली चीज हो गई, और कर्ली ब्रेसेस के ही अंदर ओके बार बार आपका एरे का साइन बन रहा है आइटम, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी यहां पे, क्या चीज कि हमने यहां पे इसको डिफाइन करा। अब इसके बाद आप देखेंगे हाँ भी यहाँ पे एरर देखने का हमें मिल रहा है, ओके, अब यहाँ पे एल्स कैसे बनेगा, हमारा यूएल तो ये रहा, तो अभी क्या करना है हमें कि यहाँ पे इससे पहले यूएल के बाद में, ठीक है, ये चीज जो है हमारी यहाँ पे आएगा आपका एक और साइन कॉलन एंड देन एक और, ये देखिए उसके बाद में इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम कैसे इस चीज को चेक करेंगे कि हमारा जो मिस हो रहा है वो कैसे है, यहाँ पे एक है हमारी वैल्यू, ठीक है, सेकेंड ये है हमारी और थर्ड ये। अब आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे हमने ये चीज ले ली है, इसके अंदर हम क्या करेंगे एक पी लेंगे, ठीक है, पी लेने के बाद में यहां पे लिख देंगे आप सिंपल सा आइटम्स टू डिस्प्ले, ठीक है, इट मींस कि नो आइटम्स डिस्प्ले, यहां पे लिख देंगे, डी को छोटा ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे मैं आपको कंडीशन समझाता हूं मैंने करा क्या बेसिकली यहां पे, ओके, सबसे पहले हमने क्या करा, एक एरे बनाया कॉन्स्ट के अंदर, डिफाइन कर दिया कि मेरे पास में एक एरे है, अब वो एपीआई के डेटा भी हो सकता है आपके पास में यहां पे, उसमें से सबसे पहले मैंने आपका आइटम्स डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो है तभी जाके आपका ये यूएल बने, अदरवाइज यहां पे पी दिख जाए जो है हमारा एल्स का केस। तो अगर जो इफ का केस है उसके अंदर यूएल है, यूएल के बाद आपका एलआई है, उस एलआई को भी तो आप डायनेमिक बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास में मल्टीपल वैल्यू है, तो हमने क्या करा यहां पे आइटम्स डॉट मैप, उसके अंदर दो पैरामीटर लिए, आइटम के अंदर आपके आइटम की वैल्यू आ गई, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स 1 2 3 जो भी आपका एरे का नंबर होता है ना जीरो से लेके वो, और यहां पे आपका ये बन चुका है आपका एरो फंक्शन के अंदर ये चीज। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, सेव करने के बाद में ये चलेगा क्या, अभी यहां पे हमें एरर दिखा रहा है, ठीक है, अब एरर में हमें क्यों दिखा रहा है ये चीज है, क्योंकि हमने कर्ली ब्रेसेस को यूज करा है, तो हम इसको यू रिमूव करेंगे, ठीक है, पैराथेनिस लगाने पड़ेंगे हमें, यहां से इसको भी रिमूव करते हैं, इतनी चीज को करा मैंने सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे यहां पे एप्पल बनाना ऑरेंज जो भी आपकी वैल्यू होने वाली है, ये तो मैंने डमी आपका टेक्स्ट रखा था, तो हमारा यहां पे एलआई आ रहा है, ठीक है। अब मानिए कि आपके पास में कोई एपीआई से डेटा आता, मानिए एरे एम्प्टी हो जाता आपका, तब क्या आता, मैं यहां से इसको डिलीट कर दूं, अगर करूं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूं वापस, तो आपको नो आइटम्स टू डिस्प्ले, ओके, देख रहे हैं आपकी इफ एल्स कैसे हम यहां पे बना पा रहे हैं आपका, तो यहां पे कुछ इस तरीके से भी आप यहां पे बना सकते हैं कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और मेथड। अब इसके बाद में एक और मैं यहां पे आपको मेथड दिखाता हूं कि आपको सपोज आपके पास में कोई बटन है, ठीक है, उस बटन को आपको यहां पे करना है कंडीशन बेस के अकॉर्डिंग कि दिखे या ना दिखे, तो यहां पे आप कैसे करेंगे उसे, सपोज मैं यहां ले लेता हूं आपका कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेट, ओके ट्रू, ओके ट्रू रखते हैं बाय डिफॉल्ट पहले इसकी वैल्यू को, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां चलते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, यहां पर मैं आते हैं, यहां लिख देते हैं आपका एग्जाम्पल 3, ओके डिव ले लेते हैं एक, इस डिव का वैसे कोई काम नहीं है, बस मैं ऐसी ले ले रहा हूं, और यहां पे मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूं, ठीक है, एंड का साइन लगा रहा हूं मैं यहां पे, एंड के साइन के बाद में यहां पे पैराथेनिस, ओके, एंड इसके बाद में यहां पे हमें बटन चाहिए, तो देखिए बटन बना लेते हैं पहले एक, ओके नॉर्मल पहले बटन लेते हैं, इस बटन का हो जाएगा आपका लॉग आउट, ओके ये हमारा लॉग आउट होने वाला है, बट इस बटन पे हम क्या करेंगे क्लिक भी फंक्शन मानिए है आपका, तो वो भी चलेगा क्या आपका, यस चलेगा, देखिए क्या चलेगा, कर्ली ब्रेसेस लेंगे, एरो फंक्शन लेंगे हम यहां पे, ठीक है,
console.log, ओके ये हमने यहां पे लिख लिया। इसके बाद करूंगा मैं सेव। अब देखिए इस ऑथेंटिकेट मैंने यहां पे ट्रू रखा है, ओके इट मींस कि बाय डिफॉल्ट ट्रू है हमारा, तो ये शो करना चाहिए पहले से ही बाय डिफॉल्ट। यहां चलेंगे हम, यहां पे आने के बाद देखेंगे इट मींस कि यहां पे हमारा बटन दिख भी रहा है गाइस, ओके यहां पे क्लिक करेंगे देखिए हमारा बटन चल भी रहा है। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूं उतनी बार ही यहां पे कंसोल हो भी रहा है, ओके अगर यही वैल्यू हमें फॉल्स मिल रही होती और वो कैसे भी केस में हो सकता है एपीआई के थ्रू या फिर डेटा के थ्रू कहीं पे भी, करेंगे सेव। मैंने फॉल्स कर दिया, इसे करूंगा मैं वापस यहां जाऊंगा तो यहां पे हमें वो डेटा मिल ही नहीं रहा। तो देख रहे हैं कितना इजी है आपका कंडीशन बेस्ड थिंग्स को बनाना यहां पे, कि कंडीशन बेस्ड आप यहां पे चीजों को रेंडर करवा सकते हैं। आप चाहें तो जो हमने फाइल बनाई इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से चीजें कर सकते हैं, या चाहें तो आपके पास में जब आप कंपोनेंट इंपोर्ट करवाते हैं ना डायरेक्ट उस कंपोनेंट के ऊपर भी कंडीशन बना सकते हैं कुछ इसी तरीके से, ओके। तो मैं होप करता हूं गाइस कि आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने आज चीजें बताई हैं अच्छी लगी होंगी। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका फॉर्म वैलिडेशन के बारे में, कि किस तरीके से फॉर्म वैलिडेशन होता है रिएक्ट के अंदर, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।